हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं और इंसर्ट क्वेरी चलाते हैं, ठीक है ना। अब जो डेटाबेस में हमारे पास इंसर्टेड रोज हैं, जो डेटा है उसको मुझे फैच करना है और मुझे अपनी जीयूआई के ऊपर उसको शो कराना है। तो मैं उसको शो कराने के लिए टेबल यूज करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। ये मेरा फॉर्म है, तो मैं यहाँ पर एक बटन बना दे रहा हूँ और इस बटन को भी मैं जो हूँ फॉन्ट थोड़ा सा इसका ले लेते हैं 18 पिक्सल्स, ठीक है ना। और शो डेटा, ठीक है ना। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर एक टेबल बन एक फॉर्म ले लेता हूँ मैं, न्यू फॉर्म। फॉर्म मेरा होता है विंडोज में, न्यू फ्रेम। तो मैं फ्रेम को यहाँ पर जो है ड्रॉप करूँगा तो एक नया फ्रेम मेरे पास आ जाएगा। तो इसका मैं नेम चेंज कर रहा हूँ, शो डेटा इसका नेम रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और शो डेटा के ऊपर मैं इवेंट्स लगाऊंगा, एक्शन परफॉर्म, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शो डेटा डॉट सेट विजिबल, ठीक है ना। सेट विजिबल इसको हम करेंगे ट्रू, और यहाँ पर एक साइज सेट करूँगा, शो डेटा डॉट सेट साइज, और इसको विड्थ रखेंगे हम 550 एंड इसको हाइट रखेंगे हम जो है 500, ठीक है ना। सिंपल रन करते हैं प्रोग्राम, और यहाँ पर मैं शो डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐसे मेरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पर मेरा जो फॉर्म है शो डेटा उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक टेबल उठाकर यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना। टेबल ये आ गई है मेरी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। और जैसे हमने टेबल वाले लेसन्स में देखा था कि कैसे हम टेबल को बेसिकली मैनेज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास होता है मॉडल। तो मॉडल में जाकर मैं इनके टाइटल्स नेम चेंज कर देता हूँ, आईडी नेम और आईडी है, नेम है, ईमेल है हमारे पास ईमेल, एंड फोर्थ वन इज मोबाइल। इसको ऑब्जेक्ट रहते हैं, डिफॉल्ट जो रोज हैं हमें डिफॉल्ट रोज नहीं चाहिए, जीरो कर देते हैं एंड देन ओके, ठीक है ना, क्लोज। तो ये हमारे यहाँ पर ये आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर वो लोड होकर आना चाहिए, ठीक है ना। तो वापस सोर्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। और जो मेरा ये बटन है जे बटन टू, मुझे यहाँ पर अल्टीमेटली वर्क करना है। तो मुझे जो वर्क करना है वो एज इट इज सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैं ट्राई एंड कैच वाला कोड एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर सेम कोड के अंदर ये वाला कोड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। सिंपल वर्क है, बस अब मुझे जो वर्क करना है, जो चेंजेस करने हैं, डेटाबेस डिटेल सेम रहेगी क्योंकि सेम डेटाबेस है आपका, ठीक है ना। ड्राइवर सेम लोड होना है, ठीक है ना। कनेक्शन क्रिएट स्टेटमेंट, बस वर्क कहाँ पर आएगा, स्टेटमेंट के ऊपर। अभी मुझे स्टेटमेंट ये यूज नहीं करनी जो मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है ना। स्टेटमेंट अब चेंज हो जाएगी। जब मुझे डेटा चेक करना होता है तो हम यहाँ पर MySQL में लिखते हैं select star from data, तो मेरा ये पूरा डेटा फैच हो जाता है। तो सेम मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी लिखना है select star asterisk from data, that's it। ये मेरा बेसिकली पूरा मेरी क्वेरी। और इसको मैं इस बार कहाँ करूँगा, एग्जीक्यूट अपडेट में यूज नहीं करूँगा, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। और मुझे सक्सेसफुली इंसर्टेड वाला मैसेज भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे जो मैसेज चाहिए वो मैं यहाँ पर एसटी से डॉट लगाकर दूसरे मेथड्स बेसिकली कॉल करता हूँ, एग्जीक्यूट, ठीक है ना। एग्जीक्यूट क्या करता है, एग्जीक्यूट है मेरे पास एक, और एग्जीक्यूट में रिटर्न क्या आ रहा है, बूलियन, ठीक है ना, बूलियन। एक मेरे पास आ रहा है एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी को देख लेते हैं। ये हमें रिजल्ट सेट रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। रिजल्ट सेट क्या है, रिजल्ट सेट बेसिकली मल्टीपल डेटा ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि आपके पास सिंगल वैल्यू तो आपको फेच नहीं करनी है,
आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे डेटाबेस में, वेरियस रोज होंगी, ठीक है ना, एन नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, तो वो पूरी एक ऑब्जेक्ट में आपको रिटर्न कर देगा, और वो जिस टाइप के ऑब्जेक्ट में आपको रिटर्न करेगा विच इज रिजल्ट सेट, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रिजल्ट सेट, ठीक है ना, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है ना, और उसको हमें यहाँ पर वो एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करता है, और ये हमें क्यों यूज करना होता है, एग्जीक्यूट द गिवन एसक्यूएल स्टेटमेंट विच रिटर्न्स अ सिंगल रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, और सिंगल रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल डेटा होगा आपका, ठीक है ना, ये हमें अल्टीमेटली यहाँ पर यूज कर लेना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेरी जो कि हमारी सिलेक्ट स्टार वाली है, और ये हमें क्या रिटर्न कर रही है, रिजल्ट सेट रिटर्न कर रही है रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट सेट, ठीक है ना, आर एस में मैंने इसको रिसीव कर लिया है। अब चूंकि रिजल्ट सेट को मैंने अभी तक इम्पोर्ट नहीं किया है, तो ऑल्ट एंटर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जावा एसक्यूएल डॉट रिजल्ट सेट को मुझे यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। आप ऊपर जाकर देखेंगे यहाँ पर, तो आपके पास रिजल्ट सेट भी यहाँ पर इम्पोर्ट होकर आ गया है, ठीक है ना, बहुत सिंपल हो गया है आपका काम। अच्छा, रिजल्ट सेट के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर अब आपको एक छोटा सा वर्क करना है, क्योंकि आपके पास सिंगल तो डेटा नहीं है, और आपको ये पता भी नहीं है कि डेटाबेस से कितनी वैल्यूज उठकर आएंगी, कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये हमें नहीं पता है। तो अल्टीमेटली जब हमें मल्टीपल वर्क करना है, बार बार कोई काम करना है, तो हमें पता है हमें लूप यूज करना होता है, और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर हमें ये काम करना है, तो व्हाइल लूप के अंदर हम आर एस लगाएंगे, ठीक है ना, जो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर हम कॉल करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड ये है हमारा, नेक्स्ट मेथड पे क्या करेगा, जब तक नेक्स्ट वहां पर रोज आपके पास आती रहेंगी, तब तक ये लूप को चलाता रहेगा। जैसे ही वहां से नेक्स्ट रो आनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना, वो फॉल्स रिटर्न करेगा और लूप अल्टीमेटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे स्ट्रिंग बनानी है। मेरे पास जो डेटा आ रहा है, ठीक है ना, डेटा मेरे पास सबसे पहले इंट के लिए आ रहा है, आईडी के लिए आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, rs डॉट गेट आईडी, गेट इंट, ठीक है ना, और मुझे कॉलम का नेम पास करना है विच इज आईडी, ठीक है ना, सिंपल हो गया है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर इंट में रिटर्न कर रहा है, और मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, तो वापस मुझे स्ट्रिंग नहीं लिखनी है, ये लिख लेना, और जो आपको पास कराना है वो है आईडी नेम, ठीक है ना, सिंपल। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास नेम, तो नेम के लिए क्या करते हैं, rs डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है ना, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है ना, कॉलम नेम क्या है आपका, नेम, ठीक है ना, और इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, अगेन पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। सेकंड है हमारे पास ईमेल, और ईमेल का कॉलम नेम क्या है हमारा, ईमेल ही है। फोर्थ है हमारे पास मोबाइल, मोबाइल का कॉलम नेम क्या है, कॉलम नेम कहाँ की बात हो रही है, ये हो रही है डेटाबेस की बात, डेटाबेस में जो हमारा उठकर आया है कॉलम नेम, जो कि रिजल्ट सेट में आ गया, उसकी नेम की बात हो रही है, तो वहां पर हमने रखा हुआ है मोबाइल से, ठीक है ना। अब ये डेटा हमारे पास नॉर्मल उठकर आ गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, ये मेरे पास आईडी आ गया है, नेम आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल, ये एक रो आ गई है, ठीक है ना। इस एक रो को जैसे ही मेरे पास यहाँ पर रिसीव होगा, मुझे उसे टेबल में सेट कर देनी है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। टेबल में सेट करने के लिए हमें ऑलरेडी पता है हम क्या काम करते हैं, हम ऊपर जाकर डिफॉल्ट, क्योंकि टेबल में डील कर रहे हैं, डिफॉल्ट टेबल मॉडल, ठीक है ना, मॉडल इज इक्वल्स टू जे टेबल जो हमने लगाया है, जे टेबल डॉट गेट मॉडल हम लगाते हैं, ठीक है ना, और ये हमें बेसिकली एक एरर दे रहा है, क्योंकि हमें जे टेबल जो डिफॉल्ट टेबल मॉडल है, इसको भी इम्पोर्ट कराना होता है, तो इम्पोर्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट और एंटर प्रेस करते हैं, और जावा एक्स स्विंग्स डॉट टेबल डॉट डिफॉल्ट टेबल मॉडल यहाँ पर आ जाएगा। अब कोई एरर नहीं है अल्टीमेटली हमारे पास, ठीक है ना। वापस जाकर देखते हैं उसने क्या किया है, हाँ ये इसने टेबल है हमारे पास, जबकि है जावा एक्स टेबल इसको प्रॉपर यूज कर लेते हैं, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट डिफॉल्ट टेबल
मॉडल एफ ए यू एल टी डिफॉल्ट टेबल ओके टेबल डॉट डिफॉल्ट टेबल मॉडल ये हमने यहाँ पर रिसीव किया है और नीचे जो है हमारे पास यहाँ पर अभी भी हमें एरर मिल रही है हो सकता है हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं ठीक है ना ये बेसिकली स्पेलिंग प्रॉब्लम थी हमने चेंज कर दिया है ठीक है ना चलिए अब हमें क्या करना है डिफॉल्ट टेबल मॉडल आ गई मॉडल से हम सेट रोज करते हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है टेबल के लेसन में तो हम मॉडल यूज करेंगे मॉडल डॉट हम क्या करते हैं ऐड रो करते हैं ठीक है ना ऑब्जेक्ट की एक एरे बनाते हैं न्यू ऑब्जेक्ट और वैल्यूज पास करा देते हैं विच इज आई डी नेम ईमेल कॉमा मोबाइल ठीक है ना सिंपल हो गए वन बाई वन रोज यहाँ पर फैच हो जाएंगी एज इट इज टेबल में रो में एड हो जाएंगी सेव करते हैं प्रोग्राम को रन करेंगे और ये प्रोग्राम हमारा आ गया है शो टेबल करेंगे शो डेटा करेंगे और ये शो डेटा करने पर हमारे पास एबीसी राहुल प्रिया शर्मा ये सारा डेटा एज इट इज हमें यहाँ पर रिसीव हो गया है ठीक है ना बहुत सिंपल है ठीक है ना चलिए कुछ भी हमने नहीं किया है जो डेटा हमारे पास अवेलेबल था वो एज इट इज यहाँ पर आ गया है एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ क्या करना होता है डिफॉल्ट टेबल मॉडल बनाना है क्योंकि मुझे टेबल के साथ मैनिपुलेशन करना है ठीक है ना मैंने बटन लगाया जिसमें मैंने नए फ्रेम के अंदर एक टेबल एक नया फ्रेम ओपन करने के लिए सेट विजिबल यूज किया है ठीक है ना और ट्राई कैच के अंदर मैंने सेम डेटाबेस ऑप्शन यूज किया है बस इस बार जो नया काम हुआ है क्योंकि मुझे बहुत सारा डेटा लेना था तो उसके लिए बहुत सारा जब डेटा मुझे बेसिकली रिसीव करना होता है फेच करना होता है तो मैं एक रिजल्ट सेट यूज करता हूँ रिजल्ट सेट एक ऑब्जेक्ट है ठीक है ना आर एस एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिजल्ट टाइप का आया है ठीक है ना एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करनी है लास्ट टाइम हमने एग्जीक्यूट अपडेट यूज किया था अपडेट बेसिकली इंसर्ट के लिए अपडेट के लिए डिलीट के लिए होता है और जब हमें डेटा फेच करना होता है तो हम एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करते हैं जो कि हमें रिटर्न करता है रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है RS उसमें रिसीव किया है क्योंकि मल्टीपल रोज हो सकती हैं इसलिए हमने while लूप लगाया है और while लूप में हमने कहा है कि जब तक RS के अंदर न्यू डेटा मिल रहा है न्यू रो मिल रही है यानी नेक्स्ट मेथड मिल रहा है तब तक ये वर्क करता रहे वन बाय वन ये आईडी को नेम को ईमेल को मोबाइल को फेच करेगा वेरिएबल्स में हम उसको पुट करेंगे और एज इट इज जैसे ही वो एक बार फेच कर चुका होगा पूरी रो को उस रो को एज इट इज हम ऐड कर देंगे कहाँ पर ऐड करेंगे टेबल में ऐड कर देंगे ठीक है ना तो बहुत सिंपल हमने अपना वर्क देख लिया है ठीक है ना अब मुझे क्या करना है थोड़ा सा वर्क और भी करना है ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये सेम अब मुझे वर्क करना है यहाँ पर मैं एक बटन लगा देता हूँ आपको ध्यान होगा कि हमने आपसे टेबल में भी एक वर्क कराया था डिलीट करने वाला ठीक है ना और एक मैंने आपसे वर्क कराया था एडिट करने वाला ठीक है ना एडिट और एक पैनल ले लेते हैं यहाँ पर पैनल को टेबल के नीचे सेट करते हैं ठीक है ना इतना और यहां पर मैं कुछ टेक्स्ट फील्ड्स लगा दे रहा हूं टेक्स्ट फील्ड 4 इसको कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं और नेम के साम नेम के नीचे नेम वाली लगा देते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं ईमेल के नीचे ईमेल वाली एंड पेस्ट करते हैं मोबाइल के नीचे मोबाइल वाली ठीक है ना और यहाँ पर एक बटन लगाते हैं
ठीक है ना, इस बटन का नेम चेंज कर देते हैं विच इज अपडेट, ठीक है ना, सिंपल हो गया है। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा पैनल है, इस पैनल को मैं बाय डिफॉल्ट इसका सेट विजिबल फॉल्स कर देता हूँ। जब हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तभी ये ओपन होना चाहिए, अदरवाइज ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे कुछ करके मैं थोड़ा सा प्रोग्राम कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सोर्स कोड में जाना होगा और जहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिट कॉम्पोनेंट एक मैथड कॉल हो रहा है उसके नीचे, तो जे पैनल जो है मेरा, जे पैनल दो है, सेकेंड वाला जे पैनल जो है उसको डॉट सेट विजिबल फॉल्स कर देना है, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होगा। रन करते हैं फाइल, ठीक है ना, और यहाँ पर आते हैं शो डेटा पे। शो डेटा में आपको जो है यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये, अभी तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये शो होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं एडिट के ऊपर, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, जो हमने जे पैनल टू बनाया है उसको डॉट सेट विजिबल ट्रू कर देते हैं, ठीक है ना, दैट्स इट। बहुत छोटे छोटे से वर्क है और बहुत डायनेमिक आपको बेसिकली एक्सपीरियंस मिल रहा है। शो डेटा हो गया, डेटा लोड हो रहा है और एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। लेकिन जब एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, कोई ना कोई रो सेलेक्ट होनी चाहिए तभी ये ओपन होगा, ठीक है ना। ऐसा हमें बेसिकली वर्किंग करनी है। चलिए ठीक है, वो भी देख लेते हैं और एडिट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हम एक कोड लिखते हैं कि इफ अगर जे टेबल डॉट गेट सेलेक्टेड रो काउंट, ठीक है ना, जो सेलेक्टेड रो काउंट है वो ग्रेटर देन अगर जीरो है तो ही ये ओपन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। और अगर आप ऐसे कॉल करते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट एट लीस्ट वन रो, ठीक है ना, सेव। वापस से कॉपी, वापस से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, ठीक है ना, और शो डेटा करते हैं। मैं एज इट इज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या बोल रहा है मुझे, सेलेक्ट एट लीस्ट वन रो, ठीक है ना। तो मैं किसी रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब कॉल करूंगा तो ये कॉल, अब क्लिक करूंगा तो ये शो हो जाएगा, ठीक है ना, अपडेट। अब आपको क्या करना है, ठीक है ना, वापस से हम चलते हैं, थोड़ा सा डिजाइन के ऊपर थोड़ा चेंज करते हैं। ये जो मैंने बनाया है पैनल, इस पैनल की प्रॉपर्टी में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, बॉर्डर में ले लेते हैं टाइटल बॉर्डर, और टाइटल में हम क्या डालते हैं, अपडेशन, जिससे कि हमें लिखा आ जाए अपडेशन, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा फॉन्ट चेंज, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, मतलब साइज बड़ा कर देते हैं, ओके, क्लोज। वापस से कोड कंपाइल करेंगे और रन फाइल करेंगे, ठीक है, और शो डेटा, साइज बेसिकली मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, साइज अभी चेंज कर देंगे हम। तो यहाँ पर लिखा आएगा अपडेट, ठीक है ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखा आ रहा है अपडेशन। और अब नेक्स्ट वर्क क्या होना चाहिए, जो भी सिलेक्टेड डेटा है वो यहाँ पर बेसिकली आ जाए, ठीक है ना। उसके लिए हमें एक और चेंज करना है, पहले हमें चेंज क्या कर लेना है, जो हम ये एडिट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या किया है, सॉरी एडिट के ऊपर नहीं, हम जो शो डेटा के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें वापस कहाँ जाना पड़ेगा, अपने नॉर्मल नेविगेटर को थोड़ा ऊपर स्लाइड करते हैं, मेन फ्रेम के ऊपर, शो डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो हमने साइज रखा है 550 width, तो इसको 550 से हटा के 750 कर देते हैं, ठीक है ना। और सेकेंड वर्क क्या करना है हमें, चलिए पहले इसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं क्या इफेक्ट हुआ है इससे। शो डेटा थोड़ा साइज प्रॉपर आ गया है, ठीक है ना, सेलेक्ट करेंगे ये ओपन हो गया है। सेकेंड वर्क है हमारे पास इम्पोर्टेंट, जो मैंने ये शो डेटा का वाला फॉर्म बनाया है उसमें जो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है आईडी वाला, ठीक है ना, ये आईडी के नीचे लिखा है आईडी वाला, इसको एडिटेबल
अनचेक कर देते हैं, क्योंकि आईडी को बेसिकली हमें अपडेट नहीं कराना है, आईडी तो एज इट इज ही रहेगी हमेशा, ठीक है ना। मुझे नेम, ईमेल, मोबाइल कराना है, ठीक है ना, बस यहाँ से आईडी उठकर यहाँ पर आ जाएगी, पर अपडेट नहीं कराना है, ठीक है ना। तो एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं, और सेकेंड वर्क क्या होगा हमारा कि मुझे डेटा जो है वो बेसिकली वहाँ पर पहुँचाना है, ठीक है ना। चलिए तो हम कैसे वो डेटा उठाएंगे, तो हमें डिफॉल्ट टेबल जो है सेम चाहिए, ये कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, मुझे एक आईडी ले लेता हूँ, इंट आईडी इज इक्वल्स टू या उसको स्ट्रिंग में ही ले लेते हैं अभी, स्ट्रिंग आईडी इज इक्वल्स टू जो मेरा है मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट रोज, मेरी कौन सी है, जे टेबल विच इज सेलेक्टेड गेट सेलेक्टेड रो, ठीक है ना, और कॉलम कौन सा है मेरा, जीरो कॉलम डॉट टू स्ट्रिंग मुझे कॉल करना है, मैंने ये लगाया, ठीक है ना। ये मेरा आईडी के लिए हो गया, कॉपी करेंगे पेस्ट। सेकंड मेरे पास है नेम, देन ईमेल एंड देन मोबाइल, ठीक है ना। अब कॉलम चेंज, आईडी इंडेक्सेस चेंज कर देने हैं 3, ठीक है ना, ये मेरे यहाँ पर आ गए हैं। इनको मुझे सेट करना है जे टेक्स्ट फील्ड विच इज 4.set टेक्स्ट, उसमें मुझे आईडी पास करा देनी है, कॉपी करूंगा और पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है ना। 4 वैल्यूज है विच इज आईडी 5, आईडी टेक्स्ट फील्ड 6 एंड 7, ठीक है ना। और अब आईडी की जगह नेम, ईमेल एंड मोबाइल, सिंपल ये हो गया। इतना वर्क हमने किया है, हमने क्या किया है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मैं शो डेटा पर जाऊंगा और एडिट पे क्लिक करने के बाद, यानी अगर मैं किसी रो को सेलेक्ट करता हूँ तो एडिट पे क्लिक करने के बाद ये डेटा उठकर मेरे इस वाले फॉर्म में आ गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। ईमेल के लिए थोड़ा साइज बड़ा करना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे अभी। और अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे अगर चेंज करना है, मान लीजिए राहुल शर्मा, ठीक है ना, तो राहुल शर्मा को क्लिक करने पर हम क्या करेंगे, तो अपडेट हो जाना चाहिए। अपडेट कहाँ पर हो जाना चाहिए, इस टेबल में भी अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इससे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा अपडेट बेसिकली डेटाबेस में हो जाना चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पर हम अभी फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपको ऑलरेडी पता ही है, तो हम यहाँ पर अपडेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट डेटाबेस में अपडेट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा फील्ड है इसको थोड़ा इधर करते हैं और ईमेल वाला थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आईडी तो बहुत छोटा है उसको छोटा रख लेते हैं, यहाँ पर ईमेल हमारा प्रॉपर आ जाएगा। अब अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अपडेट के ऊपर आ गए हैं। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अपडेट क्लिक करना है। अपडेट के लिए आपको एज इट इज जो इंसर्ट वाला कॉलम था वो वही सेम रखना है, ठीक है ना। इंसर्ट कमांड जो हमने किया था वो एज इट इज हमें सेव करना है। तो मैं यहाँ से वापस से ये जो ट्राई कैच तक पूरा डेटा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बार बार मुझे ये काम करना पड़ रहा है, तो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो वापस से मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मेरा अपडेट वाला सेक्शन था, ठीक है ना, ये यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है ना। और अब मुझे जो डेटा चाहिए था वो डेटा बेसिकली मुझे मिल जाएगा यहाँ से, इस बार मेरा जो कॉलम्स हैं वो है मेरा 5, 6 and 7, नेम, ईमेल एंड मोबाइल, ठीक है ना। मैंने सेम डेटाबेस डिटेल रखी है, सब कुछ सेम है, और मैंने जो इंसर्ट करना था, अल्टीमेटली हमें इंसर्ट कॉल नहीं करना है, ठीक है ना। हमें क्या कॉल करना है, तो पहले ही एक्सपीरियंस करते हैं हम डेटाबेस में जाकर, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो MySQL को ओपन करते हैं,
पासवर्ड एंटर करते हैं और यूज जावा एक्सपर्ट और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ये मेरी टेबल आ गई है। अब मुझे अपडेट करना है, ठीक है ना। तो अपडेट के लिए मैं क्या करूंगा, अपडेट टेबल का नेम, ठीक है ना, सेट, क्या सेट करना है, मान लीजिए नेम, नेम के सामने नेम की वैल्यू, ठीक है ना, कॉमा, ईमेल, ईमेल के सामने ईमेल की वैल्यू, और मोबाइल, और मोबाइल के सामने मोबाइल की वैल्यू, और यहाँ पर एक मुझे वेयर यूज करना है, जहां पर आईडी, वेयर का मतलब है जहां पर आईडी इज इक्वल्स टू जो भी मुझे पुट करानी है। जैसे जहां पर आईडी 1 है वहां पर मुझे नेम रख देना है तरुण, और ईमेल जो मुझे रखना है tarun11@gmail.com, और मोबाइल नंबर क्या रखना है वहां पर 9897001122, ठीक है ना। और एंड में आ जाते हैं, हमारी वन रो जो है वो अफेक्टेड हुई है, वापस से सेलेक्ट क्वेरी चलाकर देखेंगे तो ये चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो मेरा जो अल्टीमेटली पार्ट था वो अपडेट वाला, ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, मुझे इसको चलाना है वहां पर, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं वापस से नेट भी। तो यहाँ पर मुझे सेम क्वेरी रख देनी है, अपडेट डेटा सेट, नेम तरुण, ईमेल ये है ना, मैंने कॉपी पेस्ट किया है वहां से, तो तरुण की जगह मुझे वैल्यू कौन सी पास करानी है जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाए हुए हैं, नेम। तो तरुण की जगह मैं क्या करूंगा, नेम, तो डबल क्वोट्स लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, ठीक है ना, और यहाँ पर नेम पास करा दूंगा। ठीक वैसी नेम ईमेल के लिए मैं क्या करूंगा, डबल क्वोट प्लस और ईमेल, ठीक है ना। और मोबाइल में भी सेम वही प्रोसेस करना है, मोबाइल के लिए मोबाइल, ठीक है ना, मोबाइल, ठीक है ना। वेयर आईडी, आईडी क्या है मेरी, अब आईडी के लिए क्या करेंगे हम, आईडी कौन सा है हमारा, ठीक है ना, आईडी भी हम बेसिकली यहां पर लेने वाले हैं। तो यहां पर आ जाएगा मेरा इंट आईडी, और आईडी है हमारा जे टेक्स्ट फील्ड 4 में डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है ना, चूंकि हम इंटीजर में ले रहे हैं तो मुझे उसको पार्स कराना पड़ेगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है ना, और मैंने इसको इंटीजर में पार्स करा दिया। और मैं यहां पर क्या पास करूंगा, आईडी, क्योंकि वो इंटीजर में है इसलिए मुझे उसको इंटीजर में लेना पड़ा, ठीक है ना, सिंपल है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, एग्जीक्यूट क्वेरी एज इट इज करना है। यहाँ पर सक्सेसफुली इंसर्टेड नहीं कहेंगे, सक्सेसफुली अपडेटेड कहेंगे, ठीक है ना, और एरर इन अपडेशन, अगर कोई एरर आती है, कोई एक्सेप्शन आती है तो हमारी एरर इन यहाँ पर मुझे कैच में वो एक्सेप्शन दिख जाएगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल वर्क हो गया, कुछ भी चेंज नहीं करना था, बहुत इजी स्टेप फॉलो करने हैं और अल्टीमेटली आपका जो है ये पूरा कर्ड ऑपरेशन वर्क हो जाएगा। कर्ड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ये टर्म है हमारी कर्ड, ठीक है ना, सी सॉरी यहां पर नहीं बताऊंगा, CRUD, तो C stands for create, R stands for read, U updates stands for update, and D for delete, D stands for delete। तो क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये सारी कमांड हम करेंगे। हमने क्रिएट यानी इंसर्ट कर लिया है, रीड कर लिया है डेटा, ठीक है ना, डिलीट हमने नहीं किया है, हम डायरेक्ट अपडेट कर रहे हैं, डिलीट भी हम करेंगे। डिलीट अल्टीमेटली मैं चाहूंगा कि ये आप करें, ठीक है ना, मैं अपडेट तक बताकर छोड़ देता हूँ, डिलीट आपको ट्राई करना है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको फाइल को रन करते हैं और शो डेटा कराएंगे, ये हमारे पास अपडेटेड डेटा आ गया है,
और किसी को मैं सेलेक्ट करूंगा, जैसे राहुल को एडिट करेंगे, राहुल की जगह यहाँ पर मुझे चाहिए राहुल पवार, ठीक है ना। और मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा और सक्सेसफुली अपडेटेड लिखा आ रहा है डेटा, लेकिन मैं अब क्या हुआ है, सक्सेसफुली लिखा तो आ गया। चलिए MySQL में जाकर चेक करते हैं, पहले यहाँ पर तो राहुल पवार हो गया है, पर चूंकि क्या है, ये हमारा इसमें अपडेट नहीं हुआ, ठीक है ना। इसमें अपडेट नहीं हुआ का मतलब क्या है, जो एक बार यहाँ पर डेटा लोड हो गया तो हमने यहाँ पर तो डील किया नहीं है ना, हमने डायरेक्ट अपडेट कॉल किया है और अपडेट को डेटाबेस के साथ डील कर लिया है, इसको हमने डील ही नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो मैं इसको यहाँ पर बता सकता हूँ, बहुत छोटे से दो स्टेप्स हैं, ठीक है ना। जब आप अपडेट कॉल कर रहे हैं तभी आप इस टेबल को भी दोबारा से रीलोड कर दें, ठीक है ना, ये लोड हो रही है ना, तो एक बार इसको वापस से रीलोड कर दें, तो ये आपका बेसिकली अपडेटेड डेटा यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ये काम मैं नहीं बताऊंगा आपको, जैसे मैं यहाँ पर डिलीट नहीं बता रहा हूँ आपको, डिलीट वाला वर्क और ये अपडेशन इस वाली टेबल में करने वाला वर्क, ये आपको ही करना है। एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी है, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, लेकिन इस फाइल को क्लोज नहीं करूंगा, मैं वापस से शो डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा और देखेंगे आप यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर क्या हुआ, 1, 3, 4 अगेन 1, 3, 4 आ गया है, क्योंकि आपने क्या किया, प्रोग्राम बंद नहीं किया, एज इट इज दोबारा कॉल कर लिया, जितना डेटा अपडेटेड था यहाँ पर वो तो यहीं पर रहा और 3 रोज वही दोबारा से लोड होकर आ गई है। तो क्या हो रहा है, वो जो रोज आ रही है वो उसी में अपेंड होती जा रही है। मैं इसको वापस से क्लोज करता हूँ, वापस से डेटा करूंगा, तो ये बार बार क्या होता रहेगा, यहाँ पर ये दिखता रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप एक बार, अगर आपकी रनिंग मोड में एप्लीकेशन है और शो डेटा के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा सिर्फ उतना ही डेटा आना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी सेम काम आपको करना है, मैं जितने काम आपको करने के लिए देता हूँ बेसिकली ये आपके होमवर्क्स होते हैं, आप इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है ना, कोशिश कीजिए। अगर नहीं होगा, ठीक है ना, तो हम इसको वापस से आपको बताएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद से ट्राई भी करें और कर भी लें, क्योंकि बहुत इजी है, आप इतने दिनों से जावा की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इतनी स्किल्स आपकी डेवलप हो जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।